हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं एम एच आई वन का यूनिट टेन फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड एम्पायर्स सो इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे अम्पायर्स के बारे में जो उस टाइम पर बिल्डअप हो रहे थे आ, जैसे बेबीलोनिया लोनिया एजीरियन एम्पायर एंड मिदियन एम्पायर और ये आ, मैं इसका इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं तो ये हमें जो नेक्स्ट चैप्टर में पर्शियन अम्पायर पढ़ना है उसका ये बेस है कि पर्शियन अम्पायर से पहले क्या कंडीशन चल रही थी मेसोपोटामिया में और ईरान वाले एरिया में वो हमें इसमें पढ़ना है सो so बेसिकली ये अर्ली अम्पायर्स हैं यानी जो अम्पायर्स बनने की शुरुआत हो रही थी ये फ़र्स्ट स्टेज है कि किस किस तरह तरीके से क्या चेंजेस आ रहे थे जिससे कि एक अम्पायर बिल्डअप हो रहा था वो सब चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है क्वेश्चन वाइज अगर हम चैप्टर को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है हमें जो कंटेंट दिया हुआ है अगर उसको क्वेश्चन वाइज़ समझें तो हमें एक आसानी रहती है हमें पहले पता होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं फिर आंसर फ्रेम करने में भी बहुत ईजी पड़ता है तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ़ द इमोजेंस ऑफ एम्पायर जो एम्पायर्स इमर्ज हो रहे थे उसका हमें एक बैकग्राउंड दे रहा है देना है कि उस एरिए में उस टेरिटरी में चल क्या रहा था कैसे एम्पायर की शुरुआत हुई क्या रीज़न्स थे तो वो चीज़ हमें देखनी है तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से सो so, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इससे पहले वाला जो ब्लॉक है उसमें इन्होंने सिविलाइजेशंस की बात करी है फोर मेन सिविलाइजेशंस मेसोपोटामिया इजिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड चाइनीज़ सिविलाइजेशन लेकिन इस चैप्टर में हम मेसोपोटामिया और इजिप्ट की बात करेंगे क्योंकि हम मेसोपटामिया uh, में ही देखेंगे कि किस तरह से अम्पायर्स इमर्ज होते हैं तो इसमें सिविलाइजेशन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इन सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इन स्टेट और अम्पायर के बिल्डअप होने में ये सिविलाइजेशन इनको इन्फ्लुएंस

इजिप्ट और मेसोपोटामिया में जो मेटल और वुड्स थी उनकी शॉर्टेज थी यानी इनके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल नहीं था ये मेटल्स नहीं थे इनके पास अब इसके लिए क्या नीड हुई नीड थी एक रिलेशनशिप की यानी रिलेशनशिप्स ऑफ एक्सचेंज ये दूसरी जगहों पर डिपेंडेंट थे इन मेटल्स की सप्लाई के लिए इन्होंने रिलेशनशिप बनाई दूसरी जगहों से अब दो दूसरी जगह कौन सी थी वेस्ट एशिया की कुछ जगह थी जैसे एनाटोलिया लेबनन और साउथ एरियाज़ ऑफ कैप्स कैसपियन सी वहाँ से इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया अब हम देखेंगे कि ये वाली जो जगह है ना वेस्ट एशिया वाली एनाटोलिया लेबनन ये जो थी ये लेस डेवलप थी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी बट इनका इम्पैक्ट इजिप्ट और मिसिपोटामिया सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट इन पर पड़ता है और ये एरियाज़ भी डेवलप्ड होने लगते हैं जब ये इनके कॉन्टैक्ट में आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एनाटोलिया एनाटोलिया जो है वो टर्न करता है ब्रोंज एज की तरफ क्योंकि उसके पास तो पहले से कॉपर और टिन था बट तो जब ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया के कांटेक्ट में आते हैं तो ये भी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन में एंटर करते हैं और इस सिविलाइजेशन का नाम कहलाता है हिटाइट सिविलाइजेशन ऑफ कोर्स दूसरे भी कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एनोटोलिया इतना डेवलप्ड हुआ बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि मिसोपोटामिया और इजिप्ट एक कैटेलिस्ट की तरह काम करता है अपनी नेबरिंग एरियाज को डेवलप करने में न बैकग्राउंड में जो दूसरी चीज़ चल रही थी वो था ट्राइबल माइग्रेशन यानी थर्ड मिलियनियम बी में सेकेंड हाफ ऑफ थर्ड मिलियन बी यानी पच्चीस सौ के बाद से जो ट्राइबल्स थे वो लार्ज स्केल में मूव ऑन कर रहे थे कहाँ मूव ऑन कर रहे थे एशिया के कुछ पार्ट्स में वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में ही थ्रू आउट पूरे वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से कुछ लोग इधर से इधर जा रहे हैं कुछ इधर जा रहे हैं अब ये अलग अलग कल्चर के अलग अलग लैंग्वेज के जो ग्रुप्स थे ट्राइबल ग्रुप्स थे ये मूव ऑन कर क्यों रहे थे तो इसके कुछ रीजंस थे कुछ लोग मूव कर रहे थे क्योंकि उन्हें बेटर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस चाहिए था क्योंकि वो लोग एनिमल हर्डिंग किया करते थे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करना पड़ता था फ़्रेश पास्चर्स के लिए यानी कि घास वगैरह मिले जो उनके जानवर खा सकें और बहुत सारे लोग इसलिए भी मूव ऑन किए थे क्योंकि दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे जो उनसे ज़्यादा पावरफुल थे उन्होंने उन्हें वहाँ से भगा दिया था एंड तीसरी चीज़ क्योंकि सेटल्ड एग्रीरियन सोसाइटीज़ बन गई थी यानी एग्रीकल्चर की वजह से लोग सेटल होने लगे थे तो इस वजह से उन uh, ट्राइबल ग्रुप्स को uh, वहाँ से पुश आउट कर दिया गया था तो ये सब प्रोसेस चल रहा था और ये 1500 हंड्रेड ईयर्स तक चला जिसकी वजह से वेस्ट एशिया इजिप्ट और ईस्टर्न मेडिटेरियन जोन में काफ़ी सारे चेंजेस आए जिन प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं उनको ज़रा देख लें कि हम वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती थी टर्की सीरिया इराक जॉर्डन सऊदी अरेबिया, यमन यमान एंड ईरान कुवैत ये सारी जो प्लेसेस थी ये चेंजेस यहाँ पर आ रहे थे अब इन ट्राइबल ग्रुप्स की जो हिस्ट्री है वो थोड़ी सी क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी हमें कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में दिखता है कि किस तरह से इन ट्राइबल ग्रुप्स का जो सिविलाइजेशन उस टाइम पर थी उनके साथ कैसा इंट्रैक्शन रहा क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा हिस्टोरियंस इन ट्राइबल ट्राइब्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन्हें डिवाइड करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर लैंग्वेज के बेसिस पर इन्हें दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है एक थे इंडो यूरोपियन और एक थे सेमिएटिक और इनके अलावा जितने भी ग्रुप्स थे उन्हें इन uh, कैटेगरीज में नहीं डालते हैं वो अलग सबसे पहले बात करते हैं सेमेटिक ट्राइब्स की जो कि फर्दर डिवाइड होते हैं एमोराइट्स और कैननाइट्स में एमोराइट्स जो थे वो सीरिया और मेसोपोटामिया के कुछ पार्ट में पाए जाते थे और जो कैननाइट्स थे वो सीरिया और पैलेस्टीन में डोमिनेट करते थे जो कैननाइट्स थे उसकी एक और ब्रांच थी फिनीशियज जो कि लेबनीस कोस्ट में सेटल्ड हुए और इनका ट्रेड uh, को एक्सपैंड करने में एक मेजर रोल रहा है फिर uh, जो इंडो यूरोपियंस की अगर बात करें तो इनकी काफ़ी सारी कैटेगरी थी इंडो आरियंस द नीसियस द ग्रीक्स एंड मितानी द नीसियंस वही लोग थे जो एनोटोलिया में सेटल्ड हुए थे और बाद में ये एनोटोलिया डेवलप होके हिटाइट सिविलाइजेशन हो गया था ठीक है जो अदर कैटेगरीज में आते हैं जो ना तो इंडो यूरोपियन थे और ना ही समेटिक थे वो थे कैसाइट्स एंड हरियन आई नो इन ट्राइब्स के नाम याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट हमें करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो हम एम्पायर्स पढ़ने वाले हैं उनमें इन सभी लिंग्विस्टिक uh, ट्राइब्स के ही नाम दिए जाएंगे uh, तो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू नो रिम्बर द अब बात करते हैं स्टेट फॉर्मेशन की कि स्टेट फॉर्म कैसे होना शुरू हुई अब जितने भी ये ट्राइबल ग्रुप्स थे ये सोशली कल्चरली एक दूसरे से अलग थे एक दूसरे से डिफरेंट थे तो ये नए आ, स्टेट्स बनाते हैं नॉर्डन मेसोपोटामिया सीरिया पैलेस्टाइन और ईरान वगैरह में अपने स्टेट फॉर्म करने शुरू करते हैं बट साथ ही ये क्या करते हैं जब ये एज जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा कि ये लोग मूव ऑन कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो जब ये इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जैसे राइटिंग उनकी मिलिट्री टेक्निक्स उनका एडमिनिस्ट्रेशन ये सब चीज़ें उन्हें सीखते हैं और स्टेट से फिर बनते हैं एम्पाय एम्पायर जैसे कि जो एमोराइट्स ट्राइब थे जिसके बारे में हमने भी पीछे पढ़ा वो बनाते हैं बेबीलोनियन एम्पायर मेसोपोटामिया में इसी तरह से जो नीसियंस थे वो आ, आ, हिटाइट एम्पायर बनाते हैं एनाटोलिया में तो ये सब हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करेंगे डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अर्ली एम्पायर्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड के नाउ 1800 बीसी के बाद हमें वेस्ट एशिया में एक नए तरह का स्टेट देखने को मिलता है जिसे हम अंपायर भी कह सकते हैं इस स्टेट अंपायर के कुछ फीचर्स थे सबसे पहला अफेयरली लार्ज टेरेटरी कि ये जो अंपायर था एक बहुत ही बड़े एरिया पर रूल किया करता था सेकेंड मोनार्किकल था मोनार्किकल का मतलब कि राजा का रूल था फिर राजा के बाद उसका बेटा रूल करेगा फिर उसका बेटा और एक एक्सटेंसिव मिलिट्री रिसोर्स एक मिलिट्री थी काफ़ी बड़ी और उसको आ, वो कर इसको चलाने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए लार्ज टिब्र्यूट कलेक्ट किए जाते थे यानी टैक्सेस वग़ैरह का कलेक्शन होता था हर एम्पायर का अपना एक कोर एरिया होता था यानी कैपिटल होती थी जो उसका पॉलिटिकल सेंटर होता था ठीक है और उस एरिया में रूलिंग रूलिंग क्लास यानी जो जो राजपाट है जो रूल करने वाले लोग हैं जैसे राजा है उसकी फैमिली है वो इस कोर एरिया से बिलोंग करते थे जो एलिट्स कोर एरिया से बिलोंग करते थे वो डोमिनेट करते थे उनकी पावर ज़्यादा होती थी किन से उन एलीट्स से जो एम्पायर के दूसरे पार्ट से बिलोंग करते थे अब क्या होता था कि जो रूलिंग क्लास होती थी उसमें ये नहीं है कि सिर्फ राजा की फैमिली होगी या रिश्तेदारी होंगे बल्कि जो दूसरे एम्पायर मतलब अब जो दूसरे पार्ट है एम्पायर के वहाँ से भी लोग आते थे लेकिन डोमिनेट कौन करता था पावर किसकी ज़्यादा होती थी उन एलिट्स की होती थी जो कि कैपिटल से बिलोंग करते थे और जो ट्रिब्यूट होता था टैक्सेस वग़ैरह होते थे वो सारा कहाँ जाता था जाहिर सी बात है कोर एरिया में जाएगा कैपिटल में जाएगा राजपाट चलाने के लिए अब एम्पायर में क्या होता है कि जो अलग अलग लोग हैं ना डाइवर्स कम्युनिटीज़ जो हैं वो एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर आती हैं यानी कि जो रूल करेगा वो उस पूरे एम्पायर पे रूल करेगा विद दी हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ उसका एक ब्यूरोटिक सिस्टम होगा लीगल सिस्टम होगा तो उससे एक तरह के जो लोग हैं वो यूनाइट होंगे लेकिन ये जो सेंट्रलाइजेशन है यानी कि रूल रूलर जो सेंटर में बैठा है वो सबको कंट्रोल कर रहा है ये एक पॉइंट के बाद कम हो जाता है क्यों क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है तो कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंस कुछ ना कुछ फ्रीडम जो थी वो उस वहाँ के लोकल और रीजनल एलिट्स को दी जाती थी कि जो उनके जो एरियाज़ होते थे उन पे उन्हें कह दिया जाता था कि भाई तुम्हारा जो इंटरनल अफेयर है कि टैक्सेस के रेगुलर बेसिस पर तुम कैसे पे करोगे ये तुम्हें खुद संभालना है और जो रिमोट एरियाज़ होते थे यानी दूर दराज वाले इलाक़े उनको कंट्रोल करने का मतलब यही था कि भाई जब हमें मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें प्रोवाइड करेंगे क्योंकि जो एम्पायर्स बनते थे वो मिलिट्री कॉन्केट से ही बनते थे यानी कि मिलिट्री के साथ मिलिट्रीज की हेल्प से ही दूसरे एरियाज पर कब्ज़ा किया जाता था उनको एनेक्स किया जाता था तो जो एम्पायर बिल्डिंग थी उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि एक वेल ट्रेन्ड आर्मी हो और अगर आर्मी है तो उसको सस्टेन करने के लिए उसको मेंटेन करने के लिए रिसोर्स भी चाहिए और रिसोर्स कैसे आते थे एक्सपेंशन कर कर जगहों पर कब्जा कर कर तो ये तीनों चीज़ आपस में लिंक थी एम्पायर बिल्डअप होना फिर जो लार्ज सरप्लस हैं जो हमें टैक्सेस मिल रहे हैं उसका आना फिर बड़ी बड़ी आर्मीज़ को मेंटेन करना ये तीनों बातें आपस में लिंक थी सो so, 1800 हंड्रेड बी सी के बाद कई सारे स्टेट्स बिल्डअप होते हैं जैसे कि वेविलियन स्टेट इन मेसोपोटामिया फिर हिटाई स्टेट इन एनाटोलिया एंड एजीरियन एम्पायर जिनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो अभी हमने बस इनके फ़ीचर्स पढ़े लेट्स कम टू दी थर्ड क्वेश्चन एनालइज़ दी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अपार्टिज़्स डेवलप्ड अंडर अज़ीरियंस मुझे लगता है इस पूरे चैप्टर में आज़ीरियन एम्पायर बहुत इम्पॉटेंट है फ्राम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओके सो लेट स्टार्ट विद द आज़ीरियन एम्पायर अगर हम इसकी टाइम लाइन की बात करते हैं तो थर्टीन हंड्रेड फिफ्टी बी सी के अराउंड हमें एक नया तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है कहाँ पर नॉर्दर्न मिसोपिटामिया में और वो द, नया डेवलपमेंट क्या था कि आज़ीरिया जो था वो राइज कर रहा था अब ये जो अज़ीरिया है पहले जान लेंगे कि ये कौन लोग थे तो ये हमने पहले पढ़ा था कि ट्राइबल मूवमेंट हो रहा ये था ये ट्राइबल्स मूव ऑन कर रहे थे पूरे वेस्ट एशिया में तो इसी तरह से कुछ ट्राइब्स जिन्हें हम एजीरियंस कहते हैं वो मेसोपोटामिया, नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में एंटर्ड करते हैं जैसे हमने पढ़े थे दो तरह के ग्रुप्स थे ट्राइबल जो ग्रुप्स थे उनमें दो थे एक सेमेटिक थे और एक इंडो यूरोपियन थे तो ये एजीरियन वाले जो थे ये सेमेटिक ग्रुप्स थे जो कि नॉर्थन मेसोपोटामिया में आए थे अब मेसोपोटामिया की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं टिग्रस एंड यूफ्रेट्स तो ये वाला जो ग्रुप था सैमेटिक ग्रुप जिन्हें एसीरियन कहते हैं ये आकर सेटल्ड होते हैं अपर टिग्रेस वाले एरिया में टिग्रेस के ऊपर वाला जो एरिया होता है टिग्रस रिवर के और कहलाते हैं एजीरियंस अब ये जो एजीरियंस हैं ये सिर्फ वही नहीं है जो माइग्रेट करके नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में आए थे बल्कि जो वहाँ पर पहले से लोग रह रहे थे ओरिजिनल इन्ेबिडेंट ऑफ दैट एरिया दे ऑल्सो कॉल्ड एजीरियंस और ये नाम आया कहाँ से था अब ये जिस गॉड की वर्शिप करते थे उसका नाम था अशुर और इसी अशर वर्ड से ये नाम निकलता है एज़ीरिया इसीलिए इनको एजीरियंस कहा जाता है वैसे तो क्वेश्चन में सिर्फ एज़ीरियन अंपायर का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अपार्टिस पूछा है बट अगर हम इंट्रोडक्शन डाल दें और थोड़ा सा टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी बता दें बाई नेमिंग द रूलर्स तो आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है अगर हम इनके एक्सपेंशन की बात करें तो एजीरियंस ने एक वास्ट एम्पायर बनाया था जिसने वेस्ट एशिया में कई सेंचुरीज तक डोमिनेट किया और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि एजीरियंस वर द वन जिन्होंने एज ऑफ एम्पायर्स की शुरुआत की थी अगर इनके एक्सपेंशन की बात करें तो सबसे पहले नाम आते हैं कि कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने एक्सपैंड किया अपना ये अम्पायर तो सबसे पहले जो थे वो थे शालम नसर फर्स्ट जिन्होंने वेस्ट में सीरिया को आक्यूपाई किया उस पर कब्जा किया फिर कुछ फिनिशिंग सिटीज़ पर भी कब्ज़ा किया और वो पहला फेज जिसमें एजीरियन अम्पायर राइज करता है वो होता है जब बेबीलोनिया को वो आ, कॉन्कर कर लेता है जब बेबी लोनिया को सब्जिगेट कर लेता है और ये वाला जो एक्सपेंशन होता है बेबी लोनिया को सब्जिगेट करने वाला ये करते हैं टिगलेट पाइल्सर और फर्दर एक्सपेंशन भी करते हैं बट ये जो नया नया एजीरियन अम्पायर बना होता है इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है इसमें हो जाता है एक अटैक ट्राइबल अटैक ड्यूरिंग टेंथ सेंचुरी में लेकिन फिर इसको रिकवर कर लिया जाता है नाइन नाइन हंड्रेड के आने तक और एक नया अजीरियन अम्पायर इस्टबलिश होता है जिसके फाउंडर होते हैं अशुर नसिरपुल सेकेंड अशुर नसिरपल के बाद आते हैं इनके बेटे शर्मा नसर थर्ड और ये भी कुछ जगहों पर कैंपेनिंग करते हैं जैसे आर्मीनिया सीरिया पैलेस्टाइन बट इनका इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता और टिल द टाइम ऑफ टिग्ले पल्सर थर्ड जो अजीरियन पावर थी वो कई डिकेट्स तक कई सालों तक डिक्लाइन रहती है एंड फाइनली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या आउटस्टैंडिंग एजीरियन किंग आते हैं टिगलेट पाइलर थ्री अब यही मेन फिगर हैं जो कि एज़ीरियन अम्पायर में बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट हैं इन्होंने काफ़ी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पॉलिसी बनाई जो हम आगे पढ़ेंगे और अगर इनके एक्सपेंशन की बात करें कि इन्होंने अपने अम्पायर को कहाँ से कहाँ तक कॉन्सॉलिडेट किया था तो जैग्रोस माउंटेन से लेकर पर्शियन गल्फ मेडिटेरियन कोस्ट से लेकर कैस्पियन सी तक इनका ये पूरा वास्ट uh, अम्पायर था और uh, एक जगह थी ईरान में उस टाइम पर उसको मीडिया बोला जाता था और यही एरिया बाद में जाके पर्शियन एम्पायर बनता है तो वो वाला एरिया भी इन्होंने कॉन्कर कर लिया था फिर इनके बाद इनके सक्सेसर आते हैं सरगोनाइट्स अगर इनके रूलर्स की क्रोनोलॉजी को हम याद रखना चाहें तो ऐसे फ्लो चार्ट में बनाकर हम याद रख सकते हैं पहले जो इनके रूलर थे वो थे शलमा फर्स्ट uh, सेकेंड जो थे वो टिग्लेट पिल्सर फर्स्ट जिनके बाद आ, ट्राइबल अटैक होता है और न्यू अजीरन अम्पायर बनता है जिसके फाउंडर होते हैं अशुर नसरपल अब इसके बाद से फिर से नाम रिपीट हो रहे हैं वही फ़र्स्ट और सेकेंड रूलर के शर्मा नसर थर्ड एंड टग्लत पलसर थर्ड टिग्लत पल्सर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं और उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स हैं वो सरगनवाइज आते हैं जिनके बारे में ज़्यादा नहीं दिया हुआ बस बताया है कि सरगुनाइज आए थे और उनकी जो कैपिटल थी वो निन्वा थी अब हम बात करते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अपैरेटस की अब जैसे मैंने पहले बताया टिगलत पिल्सर जो हैं वो टिगलित पिल्सर थर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इन्होंने ही सारा एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पॉलिसीज़ बनाई अब इन्होंने सबसे पहले क्या किया अपने एम्पायर को स्टेबलाइज़ किया स्टेबलाइज किया उसको सेंट्रलाइज़ किया अब उसके लिए क्या होता है कि अम्पायर को ना अंपायर के अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं जो ऑफिशियल्स हैं उनको कंट्रोल करना और क्योंकि इतना बड़ा अंपायर है आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे तो ये स्ट्रेटजी उन्होंने फॉलो करी तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सारी जो टेरिटरीज थी जो एरिया थे जिनको उन्होंने जीता था उसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया और हर डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक गवर्नर लगा दिया जो कि किंग को आंसरेबल होता था कि जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो उस गवर्नर की होती थी और उसको क्वेश्चन कौन कर सकता था किंग कर सकता था अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उस गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल जुडिशियल मिलिट्री सारी अथॉरिटी जो थी वो गवर्नर के अंडर आती थी और उसका काम होता था कि वो सारा जो टैक्सीज है उसको कलेक्ट करके वो कहाँ देगा सेंटर में देगा राजा को देगा और साथ ही ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था कि जब भी एजीरियन एम्पायर को आर्मी की मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी तो वो गवर्नर्स वो प्रोवाइड कराएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट जो टिघलत पल्सर का था वो था उसने एक वेल ट्रेन स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी अब इससे पहले क्या होता था कि जो आर्मी थी जो मेसोपोटामिया uh, में जो बिग लैंड ओनर्स थे वो ट्रूप्स को वो सोल्जर्स को सप्लाई किया करते थे और वो लोग कौन होते थे वो पेजेंट्स और स्लेव्स होते थे तो उन्हीं किसानों और स्लेव्स को सोल्जर uh, बना के ज़बरदस्ती मिलिट्री एक्सपेडिशन में भेज दिया जाता था बट uh, uh, इसने टत पिल्सर ने रियलाइज़ किया कि एक प्रोफेशनल आर्मी होना बहुत ज़रूरी है परमानेंट प्रोफेशनल आर्मी होना ज़रूरी है एक इतने बड़े अम्पायर को चलाने के लिए तो उसने क्या किया जो गवर्नर्स बनाए थे उन्हीं गवर्नर्स को ये टास्क दिया गया कि जब भी uh, मिलिट्री की ज़रूरत पड़े तो वो उन्हें uh, ट्रूप्स को प्रोवाइड करें अब आर्मी में लोग अम्पायर के हर पार्ट से आ रहे थे हर पार्ट से रिक्रूट कर रहे थे तो अब क्या किया गया पहले जो था वो आर्मी मिक्सअप थी लेकिन अब सेपरेट यूनिट बना दी गई उसकी स्पेशल ड्यूटीज़ के हिसाब से जैसे शारियट यूनिट्स बना दी गई कैवलरी बना दी गई इन्फेंट्री शारीट थे जिनके पास रथ होते थे और कैवलरी घुड़सवार वाले इन्फेंट्री जो पैदल वाली आर्मी है तो सबको ना डिवाइड कर दिया गया उनकी स्पेशलिटी के हिसाब से तो ये एक तरह से ऑर्गेनाइज और ट्रेंड आर्मी बनी जो साइज़ में भी बड़ी थी और इफ़ेक्टिव भी थी और ये एक तरह से बैकबोन थी एजीरियन अम्पायर की एक बहुत बड़ी एक जीत थी टिगत पुल्सर की जिसकी वजह से उसने बहुत सारी टेरिटरीज़ को कॉन्कर किया क्योंकि ये न्यू आर्मी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट थी जैसे कि वो मीडिया जैसे नॉर्थन ईरान में जो इलाका था मीडिया जो बाद में पर्शियन अम्पायर बना उसको भी उसने कॉन्कर कर लिया अब इतनी बड़ी आर्मी को सस्टेन करना उसको मेंटेन करना आसान नहीं था तो क्योंकि उसको सस्टेन करने के लिए उसको रखने के लिए एक तो रिसोर्स चाहिए तो रिसोर्स का कैसे होता था इंतज़ाम कि ये जो आर्मी थी वो अपने आप को प्लंडर के थ्रू सस्टेन करती थी प्लंडर यानी कि कहीं भी लूट पाट करके वो अपना रिसोर्स को एक्वायर करती थी प्लस इस वाली आर्मी में शारीट्स की जैसे रथ की जो वहीकल्स यूज़ हो रहे हैं घोड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी सप्लाई ऑफ हॉर्सेस पर ये डिपेंड था अब क्योंकि इन्होंने नॉर्थन ईरान को यानी मीडिया को कांकर लिया था तो वो वाला जो एरिया था वो हॉर्सेस में बहुत ज़्यादा रिश्त था तो वहाँ से वो हॉर्सेस सप्लाई हो जाते हैं जब एम्पायर बहुत वास्ट हो जाता है बहुत बड़ा होता है तो उसमें रिवोल्ट और रेबेलियन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो अब टिगल पिल्सन ने एक पॉलिसी अपनाई इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए उसने क्या किया अपनी ही एरिया में अपनी ही अम्पायर में पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह उनको डिपोर्ट कर देता था फॉर एग्जांपल ईरान में उसने 65,000 लोगों को आ, वहाँ से हटाकर अपने एम्पायर में शिफ्ट कर दिया था तो ये जो डिपोर्टेशन था पॉलिसी ऑफ ये डिपोर्टेशन थी ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से वेस्ट एशिया के लोग या उसकी जनता एजीरियन एम्पायर को हेट करते थे नफ़रत करते थे बट एनी हाउ टिगल पिल्सर ने एक पावरफुल एम्पायर को फॉर्म किया था और उसके सक्सेसर्स ने भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखा उसकी इस पॉलिसी को अपनाया बट एनी हाउ टिगत पिल्सर ने एक पावरफुल एम्पायर को फॉर्म किया और उसकी इस पॉलिसीज को स्ट्रेडिशंस को uh, उसके सक्सेसर्स ने भी फॉलो किया सो इट वॉज ऑल अबाउट द एजीरियन एम्पायर लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड सारेक्सिस इस्ट्रेंथन द मीडियन किंगडम सरक्से रूलर का नाम है जिसने मीडियन किंगडम को स्टाब्लिश किया था उसको कंसॉलिडेट किया था तो उनके बारे में हमें पढ़ना है बट इससे पहले हम जान लेते हैं कि मीडियन अम्पायर का बैकग्राउंड क्या था कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी तो मीडियन अम्पायर जो राइज होता है तो उसके बाद आता है एक्मिनेड अम्पायर और फिर उसके बाद बनता है पर्शियन अम्पायर तो ये कह सकते हैं हम कि पर्शियन अम्पायर का यह बेस है मीडियन अम्पायर अब एक्मेनेड एम्पायर जो है उसको जैसे एजीरियन अम्पायर को एज ऑफ एम्पायरस का इनाग्रेटर कहा जाता है इसी तरह से एक्मेनड अम्पायर को वर्ल्ड अम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड एम्पायर कहा जाता है इस सेंस में क्योंकि उसकी जो टेरिटोरियल एक्सटेंट थी यानी जो आ, इलाका था जो एरिया था वो बहुत बड़ा था बहुत बड़ा ये अम्पायर था जिसमें इजिप्ट आता था और काफ़ी सारे वेस्ट एशिया के पार्ट्स आते थे तो इसके वास्ट एक्सटेंट की वजह से इसको फर्स्ट वर्ल्ड अम्पायर कहा जाता है अब कहानी की शुरुआत होती है ईरान से ट्राइबल माइग्रेशन से जैसे हमने अज़ीर अम्पायर में पढ़ा कि सेमेटिक जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो वहाँ पे एंटर किए थे इसी तरह से ईरान में इंडो यूरोपियन पीपल जो हैं वो माइग्रेट करते हैं वो आते हैं और एट्थ सेंचुरी के आने तक ये सारे ईरान में फैल जाते हैं ये सारे ट्राइब्स और सेवन सेंचुरी के आने तक ये जितने भी ट्राइब्स थे ईरान में ये एक तरह से मिंगल्ड हो जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज के कल्चर के होते हैं बट होता है ना कि एक टाइम के बाद लोग एक एडजस्टेड फील करते हैं तो एक तरह की यूनिफॉर्मिटी हमें इनमें दिखती जितने भी ये ट्राइब्स थे क्योंकि ट्राइब्स जो होते हैं वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते रहते हैं बट इन्होंने अब एक सेडेंट्री स्टाइल अडॉप्ट कर लिया था यानी एक जगह पर रहना इन्होंने अब सीख लिया था तो अब क्या होता है कि पूरे ईरान के अलग अलग पार्ट्स में ना अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं जो मीट्स होते हैं वो सी वाले एरिया में होते हैं पर्शियंस जो होते हैं वो फार्स वाले रीजन में होते हैं साउथ वेस्टर्न का ईरान था पार्सियन जो है वो कैस्पियन सी के ईस्ट वाले हिस्से में होते हैं बैक्ट्रिय जो होते हैं वो हिंदू कुश वाले एरिया में होते हैं तो इस तरह से हमें अलग अलग तरह से जो ट्राइबल्स हैं उनका डोमिनेशन दिखता है लेकिन विद द टाइम जैसे मैंने बोला कि ये लोग आपस में बिगड़ हो जाते हैं एक कॉन्फिड्रेसी हो जाती है इनमें और और ये हमें एक तरह से इनकी इनमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है तो उसका एक रीज़न था जोरोस्त्रिज़्म ये एक रिलीजन होता है जिसकी वजह से ये सारे लोग जो अलग अलग होते हैं वो यूनाइटेड होते हैं इनका जो लिंक होता है वो स्ट्रेंथन हो जाता है अब इन ईरानियंस ट्राइबल ग्रुप में एक ख़ास बात ये थी कि ये नेचुरल रिसोस को बहुत अच्छे से एक्सपॉर्ट करना जानते थे इन्होंने अपने यहाँ के एनिमल्स को और वाटर रिसोर्स का ख़ूब अच्छे से यूटिलाइज़ किया जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो मीडिया वाला एरिया था वो हॉर्स रियरिंग में बहुत एक्सपर्ट था हॉर्स रियरिंग में यानी घोड़े का जो पालन पोषण होता है और जो डबल हम्ड कैमिल होते हैं यानी इन दोनों एनिमल्स को इन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया अब ये कैमिल और हॉर्सेज जो हैं वो जाहिर सी बातें कहाँ यूज़ होते हैं पहली चीज़ ये ट्रेड में यूज़ होंगे जब सामान को लाया जाएगा ट्रेड को एक्सपेंड किया जाएगा तो उसमें यूज़ आएंगे प्लस मिलिट्री में भी यूज़ होंगे तो एक तरह से ये हॉर्सेज और कैमल्स जो थे ईरानियन इकनॉमी की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते थे इसी तरह से इन्होंने वाटर रिसोर्स को भी बहुत अच्छे से यूज़ किया उन्होंने क्या किया कि अंडरग्राउंड कनाल्स बनवाई जिससे क्या होता था कि जो रैपिड इवापोरेशन होता था यानी पानी बहुत जल्दी सूख जाता था तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उसको बचाने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड कनाल बनवाई कि अब वाटर जो है वो जल्दी इवाप्रेट नहीं होगा और जो एग्रीकल्चर है उसमें वो हेल्प करेगा तो ये सारी हिस्टोरिकल कंडीशन चल रही थी मीडियम किंगडम के आने से पहले अब मीडिया जो है ना वो एक जगह है जो कि सिटीज़ के थ्रू बनी हुई है तीन सिटीज़ हैं जंजन हमदान एंड तेहरान जो एक शेप में एक जगह बनाती हैं जिसको मीडिया बोला जाता है तो इस एरिया पर मीडियन ट्राइब्स जो थे वो रहा करते थे बट हमने पहले पढ़ा है कि मीडिया वाला जो एरिया था उस पर एजीरियन अम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया था और वहीं से उसके पास हॉर्सेज़ आते थे हॉर्सेज़ की सप्लाई होती थी बट क्या होता है बाय द टाइम जो एज़ीरियन अम्पायर है उसकी पावर ना डिक्लाइन करने लगती है और इसी का फ़ायदा उठाकर जो मीडियन ट्राइब्स थे वो एक कॉन्फेड्रेसी बनाते हैं मतलब कि आपस में मिल जाते हैं एक रूलर के अंडर जिसका नाम होता है फिरॉड्स और इनके बाद आते हैं इनके बेटे साइरेक्स बट इसी टाइम पीरियड में क्या होता है कि मीडियन uh, अम्पायर में एक अटैक हो जाता है नोमैटिक uh, पीपल का जिनका नाम होता है स्किथियंस और वो लोग मीडियन मीडिया के किंगडम को कांकर कर लेते हैं उसको जीत लेते हैं बट uh, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता सिक्स ट्वेंटी फाइव बी सी में सैरेक्सिस वापस से अपना मीडियन इस्टेट री स्टैब्लिश करते हैं स्कीथियन से छीन कर और उसको एक पावरफुल किंगडम बनाते हैं वो काफ़ी सारी एरियाज़ को एनेक्स करते हैं पर वो इवेंट जो मीडियन किंगडम को एक मीडियन अम्पायर बनाता है वो इवेंट होता है अज़ीरिया पर कब्ज़ा क्योंकि इससे पहले अज़ीरिया जो है वो ख़ुद उन पर रूल कर रहा था बट अब जो मीडियन अम्पायर है उसने ही अज़ीरिया पर Uh, ज़ीरा पर कब्जा कर लिया उसको सरेक्सिस भी बाकी मीडियम ट्राइब्स की तरह वहाँ के रिसोर्स का फुल्ली यूटिलाइज़ करते हैं एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी बनाते हैं क्योंकि जो मीडियन किंगडम था वो पहले से ही घोड़ों और कैमल्स में बहुत रिश्त था तो वो एक सेपरेट यूनिट बनाते हैं हर एक स्पेसिफिक फंक्शन के हिसाब से सबकी इन्फेंट्री और कैवलरी यूनिट्स अलग होती है तो आर्मी बिल्डअप होती है और आर्मी की वजह से वो एक्सपैंड uh, करते जाते हैं अब एजीरिया अम्पायर को कैसे इन्वेट किया जाता है जो मीडियन किंगडम था और जो बेबिलोन था दोनों एक साथ मिल जाते हैं अब अगर हम इसको मैप में देखें तो जो नॉर्दर्न मेसोपोटामिया था मेसोपोटामिया में ही ये एजीरियन और बेबीलोनिया आते थे तो नॉर्दर्न तो वाले में एजीरियन एम्पायर था और जो सदर्न वाला था उसमें बेबीलोनिया था और जो उसके साइड था ईरान वहाँ पर मीडियन किंगडम एग्जिस्ट करता था अब टिगलेट पल्सर के बाद एजीरियन एम्पायर जो था वो वीक होने लगा था और बेबीलोनिया जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है और उसके बाद बेबीलोनिया के बारे में बताया है कि वहाँ पे चलड्रियन किंग्स आ जाते हैं और फिर वो एजीरियन से बे, 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 बेबीलोनिया को कैप्चर कर लेते हैं तो वो सब हमें नहीं लिखना है हमें सिर्फ़ जो सारक्सिस हैं उसके बारे में पढ़ना है कि उन्होंने कैसे कंसॉलिडेट किया मीडियन किंगडम को तो द थिंग वॉज कि मीडियंस और बेबीलोनिया दोनों अलाइंस फॉर्म करते हैं अपने एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट एजीरिया आज़ीरिया के डाउनफॉल होने की एक वजह यह भी थी कि वहाँ की पॉपुलेशन उस रूल से नफ़रत करती थी क्योंकि उनको डिपोर्ट कर दिया गया था उनकी पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था तो जो जो बाकी बची उची कसर थी वो सैरेक्सिस ने पूरी कर दी थी क्योंकि जो मीडियन uh, किंगडम था और जो बेबीलोनिया था वो एक साथ आ गए थे और अज़ीरिया को इन्वेट करते हैं और जो उसकी कैपिटल है उसको कैप्चर कर लेते हैं और दोनों ही मीडियंस और बेबीलोनिया जो टेरिटरी होती है जो एरिया होता है अज़ीरिया का वो आपस में बांट लेते हैं मीडिया को बहुत सारे स्लेव्स मिलते हैं वॉर के बाद और बेबीलोनिया भी को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस वॉर के बाद सो so, इस तरह से मीडियन किंगडम कर देता है द दीरन अम्पायर का चैप्टर दी एंड लेकिन मीडियन अम्पायर का चैप्टर दी एंड कौन करता है एक्चुअली इनमें होती है कुछ प्रॉब्लम इंटरनली प्रॉब्लम होती है एरिस्टोक्रेसी यानी जो अपर क्लास के लोग होते हैं मीडियन किंगडम में ही वही किंग के अगेंस्ट चले जाते हैं वही किंग की जो पावर को है वो आ, कम कर देते हैं और इसी वजह से मीडियन रूल जो है वो ख़त्म होता है कैसे होता है देख okay. मीडिया वाला रीजन इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं था लेकिन वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से काफ़ी सारे फीचर्स बौरू करता है काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है और बेबीलोनियन कल्चर का भी उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अब सैरेक्सिस के बाद आते हैं उनके सन अस्तियाजेस जो भी जो फर्दर एक्सपेंशन करते हैं बट एक्सपेंशन के साथ ये एक इंटरनल प्रॉब्लम भी फेस करने लगते हैं होता क्या है कि जो मीडियन एम्पायर था उसी में जो एरिस्टोक्रेसी थी जो अपर क्लास के लोग थे वो और जो प्रोवेंशियल एलिट्स यानी जो गवर्नर हो गए जो ऑफिशियल्स हो गए जो मीडियंस नहीं हैं जो मीडियन मीडियम से नहीं है बट वो एम्पायर के अंडर ही काम करते हैं वो लोग इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और जो प्रोविंशियल एलिट होते हैं उसमें सबसे ऊपर नाम होता है साइरस का अभी साइरस कौन था ये सायरस जो था वो जो साउथ वाला रीजन था मीडिया का साउथ वाला रीजन वहाँ पर इनका अपना रूल था लेकिन ये अंडर आते थे मीडियन अम्पायर के ही और अस्तिस की ओवर लॉर्डशिप में ही थे अब ये सायरस एक ट्राइबल ग्रुप था एकेम उससे बिलोंग करता था तो ये साइरस प्लस मिडिनियन एरिस्टोक्रेसी जो कि अस्थ एजिस के खिलाफ थी दोनों मिलकर रिवोल्ट कर देते हैं और अस्त एजिस को हरा देते हैं और इसके बाद मीडियन अंपायर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद रूल आ जाता है अब एकेमिनिट्स का तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एकेमिनट रूल सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इस वीडियो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट अगर आप इसको बैठ एक दो बार रीडिंग करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मैंने और भी एम ई हिस्ट्री की वीडियोज़ बनाई हुई हैं इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच यू कैन चेक आउट इन द प्ले लिस्ट टिल दैन टेक केयर ब बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग